बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से बात न बनने के बावजूद सपा ने नॉमिनेशन शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले नामांकन पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र में शत प्रतिशत जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने नॉमिनेशन किया है। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में पीडीए की प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स जीतेगी। एक आह्वान करें महामतदान, रहे महासावधान। ये पोस्ट है अखिलेश यादव का। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की ओर से नॉमिनेशन की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला नहीं बना है। बावजूद इसके सपा ने यहां पर नॉमिनेशन शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से बात न बनने के बावजूद सपा ने नॉमिनेशन शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले नामांकन पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र में शत प्रतिशत जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने नॉमिनेशन किया है। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में पीडीए की प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स जीतेगी। एक आह्वान करें महामतदान, रहे महासावधान। ये पोस्ट है अखिलेश यादव का। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की ओर से नॉमिनेशन की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला नहीं बना है। बावजूद इसके सपा ने यहां पर नॉमिनेशन शुरू कर दिया है।